दोस्तों कैसे हो आप सब यार। और आज है मेरे पास यहाँ पर Google Pixel 7a और S21 FE, और इसका दोस्तों हम करेंगे कंप्लीट कैमरा रिव्यू यहाँ पर। और मैं आपको बताऊँगा भाई, अगर आपका 30,000 रुपये का बजट है तो ये सिर्फ दो स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनका कैमरा आपको आउटस्टैंडिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। भाई कैमरे के ही पर्पज़ से आपने यहाँ पर स्मार्टफोन लेना अपने लिए, तो भाई यहाँ पर इन दोनों से अच्छा कोई भी स्मार्टफोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए दोनों ही फ़ोन के दोस्तों अपने अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। दोस्तों सैमसंग गलेक्सी S21 FE में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर टेलीफोटो लेंस है। दोस्तों 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ आता है और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी यहाँ पर OIS के साथ देखने को मिल जाता है। वहीं गूगल पिक्सल 7a में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 13 मेगापिक्सल का दोस्तों अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। तो भाई इतना बड़ा डिफरेंस आपको इनके बैक कैमरे में देखने को मिल जाता है। S21 FE दोस्तों उसमें दो वेरियंट मिलते हैं, एक्सिनोस और स्नैपड्रैगन वाला, लेकिन दोस्तों कैमरा दोनों का ही सेम है, सारे फीचर्स आपको दोनों ही फोन में देखने को मिलते हैं। तो भाई ये दोनों फोटोज़ ली गई है इनके बैक कैमरे से। 12 मेगापिक्सल की जो आपको फोटो देखने को मिलती है S21 FE में, और गूगल पिक्सल में मिलती है भाई 64 मेगापिक्सल की। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो भाई आपको इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिलता है, उसका मैं रीज़न आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। इसमें दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल की ही फोटो कैलकुलेट करके देता है जो गूगल पिक्सल 7a है, मतलब 64 मेगापिक्सल की ओरिजिनल फोटो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। बात करें दोस्तों डायनेमिक रेंज की, तो आई थिंक यार सैमसंग गैलेक्सी S21 FE यहाँ पर बेटर डायनेमिक रेंज लेकर आ रहा है। अगर आप कलर्स की ओर भी देखो तो मुझे दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के कलर्स यहाँ पर बेहतर लग रहे हैं, स्काइज के और यहाँ पर बिल्डिंग्स के भी। बात करें दोस्तों जूम की, तो 8x मैक्सिमम जूम आपको 7a में देखने को मिलता है, वहीं सैमसंग भाई 30x तक जा सकता है, लेकिन मैंने कंपैरिजन के लिए 10x और 8x रखा है। लेकिन भाई 8x भी इसका इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है 7a का, क्योंकि भाई इसमें जो जूम है वो उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इंडोर लाइट की, भाई यहाँ पर डेफिनेटली यार जो लाइटिंग कंडीशन है उसको ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट किया है 7a ने। आप देख सकते हो भाई फ्लेयर्स को थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर 7a ने एडजस्ट कर रखा है। बाकी दोस्तों सेम पिक्चर आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों दोनों ही फ़ोन से आप भाई 2x और 3x पे यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड ले सकते हो। 7a आपको 2x तक यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड दे सकता है क्रॉप करके, वहीं सैमसंग में भाई 3x टेलीफोटो मिलता है। उसकी बदौलत भाई काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड डेप्थ इफेक्ट आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में। दोस्तों 1x की बात करूँ तो भाई जो पिक्सल 7a है थोड़ा यहाँ पर पहले ही थोड़ी सी क्रॉप कर लेता है आपकी जो इमेज है। बाकी भाई S21 FE में कलर्स आप देख सकते हो थोड़े वाइटिश आपको देखने को मिलेंगे। भाई 7a थोड़ी कॉन्ट्रास्टी सी इमेज यहाँ पर लेगा, मतलब हर इमेज लेगा। आप लास्ट तक यहाँ पर देखिए, आपको रिजल्ट यहाँ पर पता लग जाएगा। यहाँ पर है 3x में S21 FE पे ये पोर्ट्रेट और 2x में यहाँ पर 7a में है। तो भाई यहाँ पर अगर आप एक नज़र में देखोगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको भाई जूम करके दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। भाई जूम करने पे आप देखोगे जो भाई S21 FE है 3x टेलीफोटो होने के कारण भाई काफ़ी बढ़िया यहाँ पर एज डिटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन 7a में दोस्तों भाई 2x ये क्रॉप करके यहाँ पर लेता है, इसलिए कई बार एज डिटेक्शन यहाँ पर आपको मिसिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं वीडियो सेक्शन की, उसकी तो भाई पिक्सल 7a में यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक दोनों में ही 4K 60fps का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है भाई। और यहाँ पर आप EIS का भी यूज़ कर सकते हो दोनों ही बैक कैमरे और फ्रंट कैमरे में। बैक कैमरे में दोस्तों यहाँ पर S21 FE में भी आप 4K 60 और फ्रंट में भी 4K 60 तक यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये वीडियोज़ दोस्तों दोनों ही फ़ोन के बैक कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, और स्टेबलाइजेशन दोस्तों दोनों ही फ़ोन में ऑन है और OIS दोनों ही फ़ोन में हमें देखने को मिलता है। भाई इसमें जो पिक्सल 7a है उसमें आपको एक एज मिल जाता है, ये 4K 60 पे दोस्तों यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में भी शिफ्ट कर सकता है, वेयर एज S21 FE यहाँ पर 4K 60fps में अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट नहीं कर सकता है। बाकी दोस्तों डायनेमिक रेंज दोनों ही फ़ोन में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सी देखने को मिलती है, आप देख सकते हो। कलर्स भी दोस्तों दोनों ही फ़ोन यहाँ पर काफ़ी अच्छे निकाल कर दे रहे हैं, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किसकी वीडियो क्वालिटी यहाँ पर बेहतर लग रही है। बाकी दोस्तों आपको अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबलाइजेशन टेस्ट करके दिखाता हूँ, तो मेरे ख्याल से दोस्तों दोनों ही फ़ोन यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर सी स्टेबलाइजेशन लेकर आते हैं। तो भाई दोनों ही फ़ोन के बैक कैमरा से आप यहाँ पर सुपर स्लो मोशन और स्लो मोशन बना सकते हो, तो भाई यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगी। और मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर पिक्सल 7a की वीडियो क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेहतरीन लग रही है स्लो मोशन में। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं इंडोर की, जहाँ पर की लाइटिंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, तो भाई उसमें आप देख सकते हो कैसे दोनों फ़ोन यहाँ पर फ्लेयर्स को एडजस्ट कर रहे हैं। आई थिंक दोनों ही फ़ोन दोस्तों सिमिलर सा वर्क करते हैं, जब
फ्लेयर्स को यहाँ पर एडजस्ट करने की बात आती है। बाकी कलर्स आप देख सकते हो भाई, दोनों ही फोन में आपको बेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करूँ अल्ट्रा वाइड कैमरा की यहाँ पर, तो भाई S21 FE यहाँ पर अगेन हमें एक्सपोज्ड इमेज दे रहा है, काफ़ी अच्छी बैलेंस्ड इमेज है। वेयर एज जो 7A है भाई वो हमें थोड़ी सी डार्कन और कॉन्ट्रास्ट इमेज दे रहा है। तो भाई आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आपको कौन सी इमेज यहाँ पर ज़्यादा अच्छी लग रही है। हमें दोस्तों एक और इमेज दिखाता हूँ जहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल सब कुछ। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो आप, जो शेडोज़ वाले एरियाज़ है वो S21 FE में हमें ज़्यादा एक्सपोज देखने को मिलते हैं, वेयर एज 7A में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो चुके हैं। तो S21 FE में दोस्तों थोड़े से आपको बेहतर यहाँ पर अल्ट्रा वाइड शॉट्स देखने को मिलेंगे, अगर आपको कुछ ऐसी इमेजेस पसंद है। बाकी बात करें दोस्तों इनडोर की, तो भाई यहाँ पर क्लियरली बोलूँगा S21 FE का कैमरा भाई बिल्कुल ही ओवर एक्सपोज कर चुका है इमेज को, वेयर एज Pixel 7A भाई यहाँ पर विन कर जाता है डेफिनेटली यार, बहुत ही अच्छा शॉट Pixel 7A ने अंडर लाइटिंग कंडीशन यहाँ पर लिया है। दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें तो भाई Pixel 7A आता है यहाँ पर अपने 13 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ, जिसमें पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है भाई, आपको नाइट साइड देखने को मिल जाती है और काफ़ी सारे बेसिक से फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो मोड में भी दोस्तों इसमें आपको 4K 60 तक की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, और दोस्तों इसमें आपको स्पीच एनहांसमेंट का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाती है। वहीं S21 FE में दोस्तों 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। भाई अभी हम 32 मेगापिक्सल पर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके फीचर्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। इसमें आपको दोस्तों पोर्ट्रेट वीडियो फ्रंट कैमरे में देखने को मिल जाती है। भाई फ्रंट कैमरे को आप यूज़ करते वक्त बैक कैमरे में भी शिफ्ट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको दोस्तों 7A में देखने को नहीं मिलते हैं। ड्यूल वीडियो का दोस्तों ऑप्शन मिलता है S21 FE में, जो 7A में यहाँ पर मिसिंग है। तो भाई इन फोटोज़ को देखकर आपको पता लग जाएगा कि 32 मेगापिक्सल का मतलब ये नहीं है कि काफ़ी अच्छी सेल्फी देखने को मिल जाती है। भाई सब कुछ प्रोसेसिंग के ऊपर यहाँ पर मैटर करता है। Pixel 7A की भाई इन लाइट कंडीशन में भाई बहुत ही मस्त यहाँ पर फोटोज़ आपको देखने को मिलेगी। भाई पहली फोटो आप देखिए, आई थिंक Pixel 7A यहाँ पर विन कर जाता है। दूसरी फोटो में दोस्तों भाई मेरे ख्याल से अगर हम बैकग्राउंड लाइट की बात करें तो Pixel 7A ने ज़्यादा अच्छे से कैप्चर की है, और लेकिन अगर बात करें दोस्तों हम फेस की तो भाई वो S21 FE ने यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से कैप्चर किया, लेकिन ओवरऑल इमेज भाई आई थिंक Pixel 7A की यहाँ पर बेटर है। बात करें दोस्तों इस इमेज की भाई पोर्ट्रेट इमेज की, तो आई थिंक अगेन दोस्तों यहाँ पर जो Pixel 7A है काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी फोटो यहाँ पर लेकर आ रहा है। हो सकता है दोस्तों आपको S21 FE की इमेज यहाँ पर बेहतर लगे, लेकिन भाई अगर मैं सच बताऊँ तो Pixel 7A यहाँ पर मुझे बेहतर लग रहा है फ्रंट कैमरे में। अब देखिए दोस्तों वीडियोस की यहाँ पर बात करते हैं, तो भाई वीडियो में भाई मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्टेबिलिटी है वो S21 FE की फ्रंट कैमरे में ज़्यादा अच्छी है, आप यहाँ पर देख सकते हो, और भाई जो फ्लेयर्स की कंडीशन है वो भी S21 FE यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें आउटडोर की यहाँ पर, तो अगेन दोस्तों मैं कहूँगा भाई दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सिमिलर सा यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं। भाई बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है यहाँ पर बताना कि भाई S21 FE अच्छी ले रहा है या फिर Pixel 7A। भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए किसकी वीडियो फ्रंट कैमरे की अच्छी है। भाई नाइट कंडीशन की अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो भाई नाइट में दोनों ही फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट यहाँ पर दोस्तों सिमिलर है। एक में दोस्तों 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक में दोस्तों 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन मैंने पहले बताया भाई मेगापिक्सल से यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क देखने को हमें नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हम जब जूम करते हैं तभी देखने को पता चलता है। बाकी अगर मैं बात करूँ भाई दोनों ही फ़ोन के अल्ट्रा वाइड की, तो अगेन भाई ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट स्टेबलाइजेशन भाई सिमिलर है, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई लाइट्स को कंट्रोल दोनों ही फ़ोन ने काफ़ी अच्छे से किया है। भाई बस ऑलमोस्ट आपको कंट्रास्ट का थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट सारी वीडियोस यहाँ पर सेम आपको देखने को मिलती है। तो भाई ये मैंने कुछ शॉट लिया नाइट में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नाइट क्वालिटी किसकी अच्छी लगी। तो दोस्तों यार आपने यहाँ पर सारी वीडियो देख ली होगी, तो इसमें रिजल्ट तो दोस्तों बहुत मुश्किल है बताना कि कौन सा फ़ोन यहाँ पर विन करता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ फीचर्स की तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के पास भाई बहुत ज़्यादा फीचर्स है, जैसे पोर्ट्रेट वीडियो मोड है, 3x पर है, 1x पर है, फ्रंट में भी दोस्तों पोर्ट्रेट वीडियो मोड आपको देखने को मिल जाता है, प्रो वीडियो मोड है दोस्तों, प्रो मोड है जो कि भाई Pixel 7A में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों S21 FE को यहाँ पर फीचर फ़ोन बना देती है एक बहुत ही अच्छा कैमरा में। लेकिन अगर बात करूँ भाई नाइट क्वालिटी की में, तो आई थिंक Pixel 7A फ्रंट कैमरा में भाई पूरा बीट कर देता है S21 FE को, आपको दोस्तों इतना तो पता चल ही गया होगा। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हो।